हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है और साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जो इंट्राडे के स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट के ऊपर। तो जो सबसे पहले नंबर का स्टॉक हमने चुना है वो है ज्योति लेबोरेटरीज, और इसके अंदर मैंने आपको कल भी ट्रेड दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रीजन ये बताया था कि ये यहाँ से चैनल का ब्रेकआउट दिया था अपर साइड के अंदर, ये एक रेंज बनाई फिर से ब्रेकआउट और लाइफ हाई के करीबन यहाँ पे जाकर के इसने, यहाँ पे लाइफ हाई है या नहीं पता नहीं, लेकिन इस स्विंग टॉप के पास में जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया था, वापस इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में आकर के अब ये सपोर्ट ले रहा था। कैंडल अच्छी खासी बन चुकी थी, तो यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है और अब अपर साइड में और भी मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे 538 के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो आप एंट्री कीजिएगा। 543 पहला टारगेट बनेगा, 548 सेकेंड टारगेट बनेगा एंड 533 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर का स्टॉक है वो है हमारा मैस्टेक। मैस्टेक को भी मैंने यहाँ पे कल दिया था और इसके अंदर भी आप देखोगे कि मार्केट के अंदर कितनी ऊपर से गिरावट हो चुकी है 400 पॉइंट की वापस से, ठीक है। रिकवरी के बाद में पूरा वाइप आउट हो चुका है, उसके बाद में भी इसके अंदर आप देखोगे कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। लगभग ये 1.27% के करीबन अपसाइड में था, तो इसके अंदर मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो जब भी मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा भी अच्छा हो और ये अपने लेवल जो निकालता हुआ दिखे, अगर ये 2894 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप एंट्री कीजिएगा। 2920 पहला टारगेट बनेगा, 2945 सेकेंड टारगेट बनेगा और जो स्टॉप लॉस है वो आपको लगा के रखना है 2878 के ऊपर। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो थर्ड नंबर का स्टॉक है वो हमारा है इपका लेबोरेटरीज, ठीक है। अब इपका लेबोरेटरीज के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसने टॉप बनाया था, उसके बाद में नीचे आया और ये यहाँ पे इसने क्या किया है, ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेकर के अपसाइड में गया है, डबल बॉटम क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉटम क्रिएट किया है, उसके बाद में यहाँ पे अपसाइड में निकला था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, अब इस रेजिस्टेंस के पास में इसने पुल बैक लिया है, सब निकल चुका है। एक छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है और इस रेजिस्टेंस के पास में भी इसने पुल बैक लिया है, फिर से निकल चुका है। तो अब ये अपर साइड का टॉप एरिया है उसकी तरफ जा सकता है, चांसेस पूरे हैं। तो इंट्राडे के अंदर 1325 के ऊपर निकले तो आप एंट्री कीजिएगा। 1335 पहला टारगेट बनेगा एंड 1348 सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको यहाँ पे 1315 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो हमारा है BLS इंटरनेशनल। BLS इंटरनेशनल के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी एक रिकवरी हुई है। यहाँ पे डाउन साइड के अंदर आया था, उसके बाद में रिकवर कर गया है और ये जो यहाँ पे जो जोन है उसका ब्रेकआउट देकर के क्लोज देकर के गया है। तो जा सकता है इसके अंदर एक कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो ऐसा आ सकता है, तो मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है। तो 389 के ऊपर आप इसमें एंट्री कीजिएगा निकले तो 394 पहला टारगेट बनेगा, 399 सेकेंड टारगेट बनेगा एंड जो स्टॉप लॉस है आपको 383 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टॉक है वो हमारा है मेदांता ग्लोबल हेल्थ, जिसको बोला जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इस चैनल के अंदर यहाँ पे फॉलो कर रहा है और इस चैनल के अंदर अभी ये करंट में अपर साइड से डाउन साइड के अंदर आया है और यहाँ पे बाउंस ले रहा है। छोटी ये ट्रेंड लाइन है, इसको ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिरेगा, ट्रेंड लाइन के पास में ये पुल बैक ले चुका है, तो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस और ले ले, उसके लिए हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। यहाँ पे वैसे भी ये जो करेक्शन है यहाँ से स्टार्ट हुई है करेक्शन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है डेली चार्ट के ऊपर। तो हो सकता है कि यहां से पूरा बाउंस कर जाए और फिर इसके अंदर एक फ्रेश तेजी शुरू हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि डाउनसाइड के अंदर ये आए ही,
चांसेस मुझे ये लगते हैं कि ये अपसाइड में जाना चाहिए यहां से, क्योंकि इसकी डेली चार्ट पे करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो 1184 के ऊपर निकले तो आप इसमें एंट्री कीजिएगा। 1197 पहला टारगेट, 1207 यहाँ पे दूसरा टारगेट बनेगा, एंड 1175 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर आपको एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगा के रखना है, ये सभी चीजें आपको बताई हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।